राम नरेश यादव जब वह जनता दल से मुख्यमंत्री बने, और जब मुख्यमंत्री बने तो जब सत्ता में आई तो जैसे भूपेश बघेल सत्ता में आए एक बार सोची कि मैं अपन ओबीसी भाई मल्ला 27% आरक्षण दे दूं, तो उसने राम नरेश यादव सोची कि मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ तो जिस समाज से मैं आया हूँ, जिस समाज के मैं बेटा आया हूँ, ओबीसी समाज की मैं बेटा आया हूँ, तो ओबीसी समाज ला 27% आरक्षण लागू कर दी। तो ये ब्राह्मणवादी मन मिलके नरेश यादव ला तुरंत पद से हटा दी, और जे दिन नरेश यादव ला जे दिन हटाई ते दिन नारा लगी, और नारा का लगी कि नरेश यादव वापस जाओ घर में जाकर भैंस चराओ। साथी हो जे हिसाब से साहू जी ना अपन बात रखी, मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक बार नरेश यादव जनता दल से, जो जनता दल है टूट के अभी भाजपा बन चुके हैं, राम नरेश यादव जब वह जनता दल से मुख्यमंत्री बने, और जब मुख्यमंत्री बने तो जब सत्ता में आई तो जैसे भूपेश बघेल सत्ता में आए एक बार सोची कि मैं अपन ओबीसी भाई मल्ला 27% आरक्षण दे दूं, तो उसने राम नरेश यादव सोची कि मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ तो जिस समाज से मैं आया हूँ, जिस समाज की मैं बेटा आया हूँ, ओबीसी समाज की मैं बेटा आया हूँ, तो ओबीसी समाज ला 27% आरक्षण लागू कर दी। तो ये ब्राह्मणवादी मन मिलके नरेश यादव ला तुरंत पद से हटा दी, और जे दिन नरेश यादव ला जे दिन हटाई ते दिन नारा लगी, और नारा का लगी कि नरेश यादव वापस जाओ घर में जाकर भैंस चराओ। ये कौन से बात है, ये तब के बात है जब बहुजन समाज पार्टी है नया नया बने रही से। आज बहुजन समाज पार्टी ला बने 36 साल हो गए, और ही अखिलेश यादव ला जब हटाए पारी है तब अखिलेश यादव ला भी वहां के भाजपा के मुख्यमंत्री हाँ मंच में खड़ा होके बोलते कि जो लोग भैंस चराते थे उनकी औकात बढ़ गई है कि वो अब विधानसभा के बारे में सोचने लगे हैं। साथी हो बताया के उद्देश्य ये हरे कि जो धर्म और जाति से हमला दबाए गए रही से कि एक जो यादव के काम है वो सिर्फ गाय भैंस चराही, लेकिन बाबा साहब संत गुरु महापुरुष छत्रपति साहू जी महाराज ज्योतिबा फूले के सोच रही से कि जे यादव भाई हा गाय भैंस चराते तेकर बेटा भी आईएएस आईपीएस कलेक्टर बनाए, ओकर बेटा है एमपी एमएलए बनाए मुख्यमंत्री बनाए, ये हमर संत गुरु महापुरुष मन के विचार रही से। दूसरा बात, एक गुजरात में ये तो भाजपा जनता दल के कहानी है, अब कांग्रेस गुजरात में एक सोलंकी नाम के मुख्यमंत्री बनी, और वो सोची कि मैं हाँ सोलंकी हूँ ओबीसी हूँ मैं हाँ समाज के बेटा हूँ, वो कोशिश करी कि समाज के भला करे पर आरक्षण ला लागू कर दूं, तो ओकर साथ भी इसने दुर्भावनावश ऊला पद से हटा दी, और केंद्र में कांग्रेस के सरकार रही से, गुजरात में कांग्रेस के सरकार रही से, लेकिन ओबीसी के आरक्षण ओबीसी ला ओकर हक अधिकार मत मिला, एक सदीर सोलंकी ला भी ओकर पद से हटा दी। जो 27% अगर देश में 27% आरक्षण लागू हो गए तो ओबीसी समाज ला ये देश में 47 लाख से भी ज्यादा नौकरी मिली, गांव गांव गली गली मोहल्ला मोहल्ला में ओबीसी भाई मन हा सरकारी नौकरी में रही। एकर बाद जो बिहार के लेनिंग कहलाते जगदेव बाबू कुशवाहा, जगदेव बाबू कुशवाहा एक नारा दी, और नारा दी कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। वो काकर बारे में बोला थे 90 आदमी, वो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी सब ला मिला के बोला थे हम 90 हैं ते देश में हमला 90 भाग मिलना चाहिए। ता एकर से आगे बढ़ के बहुजन समाज पार्टी नारा लगाई, जब बहुजन समाज पार्टी अस्तित्व में लगे तब बहुजन समाज पार्टी नारा लगाई कि अब ना 85 धोखा खाओ देश में अपना शासन लाओ, अगर बहुजन समाज पार्टी के शासन सत्ता हो जाए तो हमारा पूरा देश में
पूरा देश में जो ओबीसी समाज है ओला होकर भागीदारी दे के काम करबो। और जो जगदेव बाबू कुशवाहा के जो सोच रही से कि 100 में 90 शोषित है, यानी जो शोषित कौम है SC ST ओबीसी और माइनॉरिटी जिला सदियों से गुलाम बना के एमना शोषण करता थे, वो मलोकर हक अधिकार देबो। वो मंच में जब जगदेव बाबू कुशवाहा अपन ओबीसी समाज ला शोषित दल बना रही से अपन ओबीसी समाज ला इकट्ठा करके जब वो ये बात रखत रही से और कहत रही जगदेव बाबू आ के देश में धन धरती और राजपाट में हमार कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, एकर सते धन धरती और राजपाट में हमला हिस्सेदारी चाहिए, तो कर जो अंग रक्षक रही से जो पुलिस वाला रही से ब्राह्मणवादी सोच के रही से कुशवाहा बाबूला बोलते बोलत ओकर छाती में गोली मार दी। जे जगदेव बाबू कुशवाहा ओबीसी समाज के लड़ाई लड़ी तेला ओकर मंच में बोलते बोलते ओकर छाती में गोली मार दी। और सीधा बताओ अगर मोला भी कोई गोली मारी तो मोल कहाँ लेगी, मोल हॉस्पिटल लेगी ना, मगर जगदेव बाबू कुशवाहा हॉस्पिटल नहीं लेगी जी, बल्कि जगदेव बाबू कुशवाहा थाना लेगी। और जब वह सीधी बात है, जब आप गाड़ी से गिरता हो या छत से गिरता हो कहीं से भी गिरता हो तो आदमी पानी मांगते, जब जगदेव बाबू कुशवाहा ला गोली लगी और थाना में जब वह पानी मांगी तब ओला पानी की जगह ओकर जो मुंह है ते मन पेशाब कर दी। कितना बड़े जाति हो है और काक सती ऐसे कौन से नेता है जेकर साथ इतना जाति हो है। तो यही सब बात ला बहुजन समाज पार्टी का आज से नहीं जब से बने हैं तब से कहता थे, राम स्वरूप वर्मा के बारे में बताते थे, ललित सिंह यादव के बारे में बताते थे, पेरियार रामास्वामी के बारे में बताते थे। बहुत साहब मैं एक बात मानता हूँ, साहू जी आप भी आओ आ एक बात में मानता हूँ कि देश में भले अभी बोलते कि ओबीसी समाज जागरूक नहीं है, मगर ये मोर मानना है कि ओबीसी समाज अगर जागृत नहीं रहती तो ये जगह मन खड़ा नहीं होते। अगर ओबीसी समाज जागृत नहीं रहती तो बाबा साहब अम्बेडकर नहीं पढ़ पाते, अगर ओबीसी समाज जागृत नहीं रहती तो हमला आरक्षण नहीं मिलते, अगर ओबीसी समाज जागृत नहीं रहती तो हमला शिक्षा के अधिकार नहीं मिलते। मैं माना था कि सांप्रदायिक माहौल बढ़े है, देश में दंगा फसाद धर्मवाद के राजनीति बढ़े है, जेमा हमारे ओबीसी भाई मन जो अपन इतिहास है तेला भूल चुके है, मगर एमा कोई शक नहीं है कि ओबीसी समाज है ओबीसी समाज जागृत हो से तेकर सदीर ए मिशन है खड़ा हो है। ए मिशन है आज कोई सतनामी मन के मिशन नो है, ए मिशन है कोई आदिवासी मन के मिशन नो है, अगर ए मिशन है काकरो है तो ओबीसी भाई मन के मिशन है। काबर 1848 में अगर ज्योतिबा फूले है एमन बहुजन क्रांति के मसाल में उठा रही थी तो मैं समझता बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ नहीं पाते। अगर 1920 में 1902 में छत्रपति साहू जी महाराज अपन कोल्हापुर में ओबीसी के साथ साथ SC ST बहुजन समाज के लिए अगर आरक्षण के नींव नहीं रखी तो बाबा साहब संविधान में आरक्षण के प्रावधान हमारे लिए नहीं कर पाते। एकर सतीर साथी हो ये लड़ाई जितना आज हमन अपन समझाथन ये लड़ाई उतने आपके भी है। हमन ये बात ला बताए रहे हैं कि ये जो बहुजन समाज के आंदोलन है जे गौतम बुद्ध से चला था बहन जी के कंधा से वह आज पूरा देश में एक लीडरशिप चलाते है। आप सब ला मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप सब ये मिशन में आवा और ये संत गुरु महापुरुष के मिशन ला आगे बढ़ाए मा तन मन धन से आप मन सहयोग करा। और 2023 में एक बार हमला फिर कह देना है कि ये देश में 15% वाला के राज नहीं चला है, ये देश में काकर राज चली तब कबीर ला मानने वाला के राज चली, ये देश में काकर राज चली ते देश में छत्रपति साहू जी महाराज ज्योतिबा फूले ला मानने वाला के राज चली, ये देश में ललित सिंह यादव और राम स्वरूप वर्मा के मानने वाला के सरकार बनी। इन्हीं सब बात के साथ विश्वास के साथ क्या आप सब जन हमारे साथ दहा, आप सब जन ला जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।